हेलो गाइस, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप भी इतना ज्यादा प्रॉफिट किस तरह से बना सकते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो हमने अपने टेलीग्राम पर एक स्क्रीनशॉट शेयर किया हुआ है जिसमें लगभग 200% तक का हमें प्रॉफिट हुआ है, और ये कॉल हमने आज अपने फरी वाले ग्रुप में शेयर की थी, और इससे बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर प्रॉफिट भी बनाया है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर हमने 180% प्लस तक का प्रॉफिट बनाया है, लेकिन वहीं पर बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि सर आपको 180% तक का प्रॉफिट हुआ है, थोड़ा प्रॉफिट होता है लाइक 50% या 70%, कुछ लोगों को तो वहां पर 100% प्रॉफिट हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो मोस्टली लोग थे उनका बस यही सवाल था कि सर हम इतना ज्यादा प्रॉफिट किस तरह से ले सकते हैं। सो आज इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि आप इतना ज्यादा प्रॉफिट किस तरह से ले सकते हैं, किस तरह से आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। बिकॉज अगर आप इतना ज्यादा प्रॉफिट लेना चाहते हैं देन सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल रखना होगा। जब तक आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं रखते तब तक आप इतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो प्लीज जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें, और इसके साथ साथ अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर अगर आप देखें तो हम डेली के बेसिस पर वहां पर फ्री की कॉल्स शेयर करते हैं, और यहां पर आप फ्री कॉल्स के रिजल्ट भी यहां पर चेक कर सकते हैं, और इसके साथ हम डेली बेसिस पर वहां पर स्कैल्प की ट्रेड्स भी शेयर करते हैं, और इसके साथ साथ वहां पर आपको डेली मार्केट अपडेट भी मिलती रहती है जिसमें बीटसी की अपडेट होगी, उसके अलावा कोई भी इवेंट्स आने वाला है मार्केट में उसके बारे में या बीटसी को लेकर हम डेली के बेसिस पर यहां पर उसके चार्ट भी शेयर करते हैं। हम यहां पर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखें, मैं आपको इसी चार्ट पर ही एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पर सब कुछ। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हमने यहाँ पर आज एक कॉल शेयर किया था, ETHWUSDT का चार्ट था, और यहाँ पर हमारी जो एंट्री पॉइंट था वो था 10.49 हमारे यहाँ पर एंट्री पॉइंट था, और ये हमारे यहाँ पर कुछ टारगेट थे, और इसके साथ हमने यहाँ पर एक स्टॉप लॉस भी लगा रखा था। अब यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे लोगों ने ये सिग्नल लिया लेकिन वहां पर उन्होंने 40% या 50% तक अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, और हम भी यही रेकमेंड करते हैं कि आप हमेशा अपना 20 या 40 या 50% तक का जो प्रॉफिट होता है उसको हमेशा आप बुक कर लीजिए। क्योंकि अगर आप उसको बुक नहीं करते और आप कहते हैं कि मुझे प्रॉफिट होता जा रहा है, वो दरअसल आपको जस्ट नजर आएगा। प्रॉफिट आपको तभी होता है जब आप उसको बुक करते हैं, और आपका जो डॉलर्स प्रॉफिट वाले होते हैं वो आपके वैलेट में आते हैं, देन उसको आप कह सकते हैं कि हाँ मुझे अब प्रॉफिट हुआ है। अदरवाइज जब तक आपको स्क्रीन पर प्रॉफिट नजर आता रहेगा वो जस्ट स्क्रीन का ही प्रॉफिट होगा, वो आपका प्रॉफिट नहीं होगा। सो आपने यहां पर क्या करना है, जब भी आप कभी ट्रेड ले रहे हो आपने हमेशा एक प्रॉपर प्लान के साथ चलना है। अगर आपके पास एक प्रॉपर प्लान नहीं है ट्रेड करने का देन आप कभी मार्केट से अच्छा प्रॉफिट नहीं बना सकते। प्रॉफिट बनाने के लिए मार्केट से आपको सबसे पहले एक प्लान की जरूरत होती है कि आपने एक प्लान के साथ चलना है। अगर आपके पास प्लान ही नहीं है, एक स्ट्रैटेजी नहीं है, देन आप किस तरह से वहां पर प्रॉफिट बना सकते हैं। लाइक दैट अगर आप यहां पर देखें तो मैंने अगर कोई ट्रेड लेनी है तो सबसे पहले अगर मेरे पास $1,000 यहाँ पर पड़ा है, ठीक है, यहाँ पर अगर $1,000 मेरे पास पड़ा है तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहाँ पर मैं अपना यहाँ पर रिस्क को मैनेज करूंगा। लेट्स सपोज अगर मैं एक ट्रेड लेनी है, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेट्स सपोज अगर मेरे पास यहाँ पर $1,000 पड़े है तो मैंने यहाँ पर कोई ट्रेड लेना है, किसी के सिग्नल्स को फॉलो नहीं करना, मैं अपने कोई भी यहाँ पर ट्रेड लेना चाह रहा हूँ। मैंने कोई भी यहाँ पर सेटअप बनाया, लेट्स सपोज मैंने ये वाला सेटअप बनाया है अभी, और इस पर मैं अब ट्रेड करना चाह रहा हूँ। अब मैंने क्या करना है, इमोशंस को कंट्रोल करने की आपको स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या करना है, मैं सबसे पहले यहाँ पर अपना रिस्क को कैलकुलेट करूंगा कि मैं इस ट्रेड पर कितना रिस्क लेना चाह रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि मैंने यहाँ पर $50 का मैंने इस ट्रेड में रिस्क लेना है, कि अगर ये ट्रेड लॉस में जाती है तो जस्ट मुझे $50 का ही लॉस हो, इससे ज्यादा लॉस मुझे नहीं होगा। अगर मुझे यहाँ पर $50 का लॉस हो जाता है देन यहाँ पर जो मेरे पास बाकी बचेंगे वो $950 होंगे। अब $950 जो मेरे पास पड़े हैं ये नेक्स्ट मैं किसी भी ट्रेड में लगाकर अपना $50 प्रीवियस ट्रेड का लॉस रिकवर कर सकता हूँ, मजीद और भी प्रॉफिट वहां पर बना सकता हूं। लेकिन अगर यहां पर जो न्यूबीज करते हैं वो क्या करते हैं, अगर किसी के पास $100 है वो क्या करेगा, 100 का 100 ही किसी ना किसी ट्रेड में लगा देगा, और वहां पर देन यहाँ पर अगर आपके $10 भी लॉस में जा रहे हैं तो उसको ये डर होगा कि कहीं मेरे यहाँ पर $100 ना लॉस हो जाए, और वहां पर डर के मारे उसको ट्रेड को क्लोज कर देगा। देन अगेन वो ट्रेड थोड़ा पॉजिटिव में जाने लगी, वो बंदा अगेन उस ट्रेड में इंटर हो जाएगा। जब अगेन फोमो में आकर इंटर होगा देन अगर वहां से अगेन उसने थोड़ा डाउन साइड मूव किया
देन उसने अगेन सेल कर दिया। इस तरह बाई सेल करते करते वो बंदा अपना $100 भी $0 कर भी प्रॉफिट नहीं बना। मैंने $1,000 था मेरा और मैंने यहाँ पर बोला कि मैं एक ट्रेड में $50 का रिस्क लूंगा कि अगर मेरा वहां पर स्टॉप लॉस हिट होता है तो मुझे जस्ट $50 का ही लॉस हो, इससे ज्यादा लॉस मुझे नहीं होगा। अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है देन कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट ट्रेड में चला जाऊंगा। यहाँ पर क्या होता है, जब लोग यहाँ पर कोई भी ट्रेड लेते हैं, लेट्स सपोज अगर उन्होंने यहाँ पर बीटीसी को लॉन्ग किया है $19,000 पर, ठीक है, अब उनका स्टॉप लॉस है यहाँ पर $80,000। अब यहाँ पर जब प्राइस की यहाँ से लेट्स सपोज ड्रॉप होकर $80,000 पर आएगी, जो न्यूबीज होते हैं वो क्या करते हैं, $80,000 को यहाँ पर $17,000 पर अपना स्टॉप लॉस कर देंगे। जब $17,000 पर प्राइस पहुंचेगी तब वो यहाँ पर $60,000 पर प्राइस कर देंगे। इसी तरह वो जिस तरह प्राइस डाउन साइड मूव करती आएगी वो बंदा अपना स्टॉप लॉस भी नीचे नीचे मूव करता जाएगा। इससे क्या होगा, आप बहुत बुरी तरह एक ही ट्रेड में स्ट्रक हो जाएंगे और वहां पर आपको निकलने में वहां पर हफ्ते भी लग सकते हैं और कई कई मंथ भी लग सकते हैं। सो इससे अच्छा यही है कि आप प्रॉपर एक स्टॉप लॉस के साथ चलें। अगर आप उसको स्टॉप लॉस नहीं लगाते देन आप फ्यूचर ट्रेड में कभी भी सक्सेसफुल नहीं रहेंगे। एक ना एक दिन आप वहां पर लिक्विडेट होंगे और आपका प्रीवियस जितने मंथों का भी वहां पर मेहनत किए हुए प्रॉफिट होगा वो एक ही ट्रेड में लॉस हो जाएगा। सो उससे अच्छा है कि आप यहाँ पर प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाकर ही ट्रेड किया करें। यहाँ पर जब आप स्टॉप लॉस लगा लेते हैं देन आप वहां पर अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाते हैं। साथ जब आपका स्टॉप लॉस होगा आपने पहले अपने माइंड में एक प्लान बना रखा होगा कि मैं जब ये यहाँ पर ट्रेड लेने लगा हूँ मुझे, मैंने पहले अपना यहाँ पर $50 रिस्क ले लिया है, मुझे पता है यहाँ पर मेरी ट्रेड अगर लॉस में जाती है मुझे $50 का लॉस हो ही जाना है। तो अब मैं रिलैक्स होकर अपनी यहाँ पर ट्रेड ओपन कर सकता हूँ और यहाँ पर मुझे पता है कि अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो भी गया तो मुझे $50 का ही लॉस होगा। तो अब मुझे कोई भी वहां पर ज्यादा इस बात का डर नहीं है कि प्राइस ज्यादा ऊपर जाए डाउन जाए, जिधर भी जाए मैंने जस्ट यहाँ पर अपने ट्रेड ओपन करूंगा और इसको यहाँ पर छोड़ दूंगा, यहाँ पर अपने ऑर्डर में ओपन ऑर्डर में मेरी ट्रेड ओपन ही रहेगी और मैं अपने यहाँ पर जो टारगेट्स होंगे उनको भी सेट कर दूंगा और अपने स्टॉप लॉस को भी सेट कर दूंगा यहाँ पर। अब चाहे वो टारगेट सेट हो या स्टॉप लॉस सेट हो मुझे कोई भी इसमें इश्यू नहीं होगा। तो अगर आप न्यूबीज हैं तो आपने हमेशा यहाँ पर सबसे पहले आपने स्टॉप लॉस सेट करना और कभी भी अपने स्टॉप लॉस को मूव नहीं करना। ये नहीं कि आपके स्टॉप लॉस पर प्राइस आ रही है और आप उसको और नीचे जाकर मूव कर रहे हैं कि अभी मैं और थोड़ा नीचे इसको मूव कर दूंगा कि मेरा ये वाला जो लॉस होने वाला है ये भी बच जाए। इस तरह आप स्टक हो जाएंगे, मे बी कभी आप निकल जाएं लेकिन ज्यादातर आप इस तरह के स्टक हो जाएंगे। और यहाँ पर जो आप स्टक होंगे देन आपको यहाँ पर वीक भी लग सकते हैं, मंथ भी लग सकते हैं। सो इससे अच्छा है कि आप एक स्टॉप लॉस रखें। जब आप स्टॉप लॉस रखेंगे देन आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाएंगे। जब आप स्टॉप लॉस रख लेंगे देन आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में होंगे बिकॉज आपने पहले ही अपना रिस्क वहां पर मैनेज कर लिया है। आपको पता है कि अगर मेरी ट्रेड लॉस में जाती है तो मुझे $50 या $100 का लॉस होगा, इससे ज्यादा मुझे लॉस नहीं हो सकता। और आपने एक प्रॉपर प्लान बनाया कि इस प्लान के मुताबिक मुझे चलना है, अगर मुझे इतना इस ट्रेड में लॉस हो रहा है देन मैं नेक्स्ट ट्रेड में जाऊंगा उसमें मुझे इतना मेरा रिस्क मेरा होगा कि मैं प्रीवियस लॉस भी रिकवर कर लूंगा और उस ट्रेड का भी प्रॉफिट बना लूंगा। जब आप इस तरह से चलेंगे देन आप लॉन्ग टर्म मार्केट में स्टे कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप एक किसी की फॉलो करेंगे किसी को ब्लाइंडली कि मैं उसकी ट्रेड ले लेता हूँ 100x यहाँ पर ले लेता हूँ 50x ले लेता हूँ, अगर आप इस तरह की ट्रेड लेते रहेंगे तो आप अपना अकाउंट बहुत जल्द वाश करके मार्केट से आउट हो जाएंगे। सो इससे अच्छा है कि आप पहले कुछ लर्न करें और प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें। आएंगे और लाइव सेशंस करूंगा मैं जिसमें आपके साथ मैं ये स्टॉप लॉस को लेकर कुछ न्यूबीज को लेकर हम बहुत एक लाइव सेशंस करेंगे 1 hour पे 2 hours का, उसमें सब चीजें मैं आपकी क्लियर कर दूंगा। लेकिन अभी के लिए इतना, बिकॉज वीडियो ज्यादा लेंथी हो जाएगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह।